बीच फैमिली में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज नुपुर हमारे लिए जो मठे लेके आई हैं उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से उसको बनाया है और खाने में तो स्वादिष्ट होती ही होती है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बना रही हैं। देखिए बनिए ना हमारी मठरी कितनी बढ़िया फ्लेकी और क्रिस्पी। मसाला बीट देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी राम राम। मैं नूपुर मसाला बीट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मठरी लच्छेदार, जो बहुत ही आसान तरीके से बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मैदा, फिर हम डालेंगे आधा कप सूजी। ये मिक्स हर्ब्स हैं, इसको हाथ से मसल कर डालें। आप इसकी जगह कसूरी मेथी भी डाल सकती हैं। अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, अजवाइन थोड़ी सी, इसको भी हाथ से क्रश करके डालें, इससे इसकी महक और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हम डालेंगे एक चम्मच नमक, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे घी, हमारा घी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये ऐसे करके देख लें इसको हाथ में, तो पता चल जाएगा कि हमारा मोयन ठीक है। आप इसमें घी की जगह रिफाइंड भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथते हैं और एक सॉफ्ट डो बनाना है, बहुत कड़ा नहीं बनाना है जैसे मठरी के लिए हम बनाते हैं, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है। देखिए हमारी मैदा बिल्कुल मल गई है अच्छे से, हमने इसको अच्छे से गूंथ लिया है। आप देख सकते हैं कैसी बनी है, बहुत ज्यादा ना ये टाइट है ना ये बहुत हल्की है। बस हम इसको सफेद सॉफ्ट कपड़े से ढक के रख देंगे, गीले कपड़े से, और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम इसकी बनाएंगे मठरी। देखिए हमें आटे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, अब हम अपने आटे को एक बार फिर से सॉफ्ट कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं इसके छोटे छोटे पेड़े, इतना बड़ा बनाना है हमको, बस देखिए इतना बड़ा। देखिए हम इनको हाथ से बिल्कुल अच्छे से इवनली रोल कर लेंगे। अब हम इसकी बनाएंगे बहुत पतली सी रोटी। देखिए हमें इसकी इतनी बड़ी रोटी बनानी है, और ना ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा पतली हो, बस इतनी मोटी बनानी है आपको, और इसको अलग रख देना है। फिर ऐसे ही हम दूसरी बनाएंगे। देखिए इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा घी, हाथ से अच्छे से फैला देंगे उसको। के ऊपर हम रख देंगे अपनी दूसरी वाली रोटी, ऐसे अच्छे से दबा देंगे और फिर इसको अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे लॉक बना के इसकी कटिंग कर लेंगे, ऐसे चाकू से काटेंगे आप तो ज्यादा अच्छी तरह से एक सी कटेंगी बिल्कुल। देखिए हमारी लोई बनकर तैयार है बिल्कुल। अब इसको हम ऐसे हल्के हाथ से दबा देंगे धीरे धीरे सारी लोइयों को। बहुत हल्के हाथों से इसको बेलन से बेलेंगे, बस दो बेलन मारने हैं हमको इसके ऊपर बस। और अगर कोई किनारा फट जाता है तो उसको आप हाथ से ठीक कर दीजिए। बस हमें इतनी बड़ी बड़ी मठरियां बना लेनी है इसकी, और जब हम इसको तलेंगे तो इसमें बहुत अच्छे लच्छे बनेंगे। देखिए हमारी मठरियाँ बन गई हैं, अब इसको तलते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसको हमें बहुत हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। एक बार तेल गर्म करके फिर गैस को धीमा कर दीजिए।
देखिए हमारी मठरी बिल्कुल गोल्डन हो गई है। अब हम इन्हें तेल में से निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम अपनी बाकी की मठरियां बना लेंगे। ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छा इसका लच्छा बनता है। एक बार जरूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम। आपने नूपुर कितनी अच्छी रेसिपी लेके आई है आप सबके लिए। यदि आपको उनकी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप यदि हमारे चैनल पर इन्हीं की तरह अपनी किसी रेसिपी का वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया है, आप उसको उस पर भेज सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।